स्टूडेंट, वेलकम टू गश्रील अकेडमी। मैं राहुल उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले नवाज सर आप लोगों को कोऑर्डिनेट पे दो वीडियो डाल चुके हैं, बेसिक टर्म पे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन डाल चुके हैं आप लोगों को। आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है लाइक भी किए होंगे। तो जैसा कि हम बताना चाहेंगे, अगर आपके कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हाई स्कूल के हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों या आईसीएसई बोर्ड के हों या आपके घर के हों या बगल के हों, तो उन तक हमारी वीडियो आप लोग शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें आप लोग। और जैसा हम आपको बताना चाहेंगे कि आज नवाज सर कोऑर्डिनेट के नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर आप अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करिएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी राहुल सर ने बताया है कि दो लेक्चर अपलोड हैं और थर्ड मेरा लेक्चर है और थर्ड टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। एक्चुअली हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है आपके लाइफ में या फिर साइंस में, फिजिक्स में क्या इसका रोल है? तो बेसिक एक एग्जांपल से अगर हम देखते हैं क्या रोल है। जैसे मैं आपसे कहूँगा ये आपके ओरिजिन है, ये डायरेक्शन है, जैसे ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपके नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, ठीक है। किसी ने कहा आप ओरिजिन से है ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर गए हो, 5 किलोमीटर, ठीक है, और ईस्ट से आप 90 डिग्री पे आप 3 किलोमीटर गए हो, 3 किलोमीटर गए हो, 3 किलोमीटर गए हो, ठीक। तो कहा जाएगा कि आपका ओरिजिन से और आप जहाँ पे हो उसके बीच की दूरी क्या होगी, उसके बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है क्या होगी। तो सिंपल है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा जो क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, 5 है और ये 3 है, आप स्क्वायर रूट लेकर आपको आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ये तो है आपका डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया है बल्कि आपको क्या दिया है, पॉइंट दिया हुआ है। जैसे आपसे अगर कोई कहे, एक्स वाई प्लेन पे या फिर, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका 2.3, ठीक है, वो ये पॉइंट है, और एक पॉइंट है 7.4, वो ये पॉइंट है। कोई कहे कि इसकी बीच की दूरी क्या होगी, तो ये आप कैसे निकालोगे, ये आपको पता नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब हम उसको डिराइव करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो हम डिराइव करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो इसको हम डिराइव करते हैं। हमने एक, ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ठीक, इसको हमने y एक्सिस लिया है, ठीक है, ये हमारा O है जो ओरिजिन है, ठीक है, हमने कोई दो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक, मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे हमने एक x1 और y1 लिया है, हमने यहाँ पे कहीं पे x2 और y2 लिया है, ये दो पॉइंट आपके हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हमने P मान लिया है, इसको हमने Q मान लिया, ठीक, इसके बीच की हमें डिस्टेंस निकाली है, ठीक है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, इसके हमने नीचे कर लिया इसको, ठीक है, इसको भी हमने क्या कर लिया, नीचे कर लिया, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे क्या, इसको हम नाम दे रहे हैं R, ठीक है, और इसको नाम दे रहे हैं क्या, S, कोई दिक्कत, ठीक है। ओरिजिन है O, R है, ये S है, ये P है, ये Q है, P का पॉइंट x1 y1 और Q का पॉइंट x2 y2, y एक्सिस एक्सिस। ओरिजिन का पॉइंट आपको पता है क्या होता है, 0 0, हैं, ये तो पता ही है, 0 0, ये अंडरस्टूड है, ठीक, ठीक। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला निकालने से पहले आपको पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है, होगी ना, ठीक है। तो ये आर एस किसके बराबर होगा, जरा यहाँ पे देखो, आर एस किसके बराबर होगा, ये ठीक है, देखो आर एस, आर एस किसके बराबर होगा, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो दूसरा ध्यान दो, इसको मैंने
टी मान लिया, इस पॉइंट को टी मान लिया, ठीक है। अच्छा इसका ध्यान जरा, ये पूरा पॉइंट क्या होगा, ये पूरा पॉइंट क्यू एस और ये पूरा पॉइंट टी एस, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस बराबर होगी किसके बराबर, तो ये होगी क्यू टी इक्वल टू आपका क्यू एस माइनस टी एस, ठीक है, क्लियर है। आपका आर एस के बारे में पता चल गया और क्यू टी के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब इसको हम देते हैं नंबर से, एक बार बताइए यहाँ से ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी पूरी, जरा देखिए x एक्सिस पे कौन पॉइंट होता है, x वाला होता है ना, यानी कि x2, यानी ये पूरी डिस्टेंस x2 के बराबर हो गई। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1 के बराबर होगी, ठीक है। सिमिलरली ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर होगी, y2 के बराबर होगी, और ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर होगी, जरा ध्यान दो, ये y1 के, स्पेस देख लो, स्पेस देख लो, ये हमारा क्या होगा, देखो ये हमारा पॉइंट x1 y1 है ना, ये पे कहाँ होगा, ये y1 होगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा, y2 होगा, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक। तो जैसा जैसा पॉइंट है बिल्कुल इसी में आप रख दो, जैसे ओ आर के जगह पे x1 रख दो, ओ एस की जगह पे x2 रख दो, ऐसे रख दो, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आर एस, आर एस का मतलब ये, तो आर एस इक्वल टू ओ एस, ओ एस मतलब एक्स टू माइनस ओ आर एक्स वन, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड ओ टी, सॉरी क्यू टी, क्यू टी हमें फाइंड करना है, तो पूरे में से घटाएं, तो पूरा क्या हमारा है, वाई टू है, तो क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, आप ना मानो, ठीक है। तो आर एस की वैल्यू आप आगे एक्स टू माइनस एक्स वन और क्यू टी की वैल्यू आगे वाई टू माइनस वाई वन, तो ये डिस्टेंस मिल गई। इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं मैम, एक्स टू माइनस एक्स वन लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें ये डिस्टेंस पता चल गई, ये डिस्टेंस पता चल गई, ये चाहिए, मैंने आपसे बताया है पाइथागोरस थियरम, क्या बताया है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका बेस क्या है, x2 माइनस x1, तो ठीक इसी फॉर्मूले में रख दो जरा, बेस क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हाइट क्या आपका, इस बॉक्स में देखिए हाइट क्या आपका, आप जो है पी क्यू टी में देखिए, आप देखिए किस में, पी टी क्यू में देखिए आप, ठीक है, इसमें देखिए। अब ये क्यू टी किसके बराबर होगा, वाई टू माइनस वाई वन, ये आपका हाइट है ना, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर है, हाइपोटेनस के, हाइपोटेनस क्या लिखोगे, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। हम ये पी क्यू सब स्क्वायर में है, हम एक डिस्टेंस चाहिए ना, तो सिर्फ पी क्यू, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्या, अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इसकी डिस्टेंस निकालने का आपका ये फार्मूला आपका मिल गया, ठीक है। यही आपका फार्मूला है जो आप हर जगह इसको यूज करोगे, ठीक है। पी क्यू मतलब हमें यही तो डिस्टेंस निकालनी थी, ये डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू क्या है, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, इसको भी देखेंगे, वाई टू वाई एक्सिस पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक है। देखो ये पॉइंट दोनों दिए थे, बीच की दूरी का फार्मूला आपको आ गया, ठीक है। ओरिजिन का आपको पॉइंट पता है, जीरो का जीरो ही होता है ओरिजिन पे, ये तो पता ही है, ठीक है। फार्मूला क्लियर है, दो किसी भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला आपका ये है, ठीक। इससे बोर्ड में जो न्यूमेरिकल हैं दो के तीन के जरूरी इस पे आते ही आते हैं, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला में न्यूमेरिकल करते हैं, आपके चार न्यूमेरिकल हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं आपके, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है जो हमने अभी डिराइव किया, क्या डिराइव किया है, दो पॉइंट के बीच की दूरी का पी क्यू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये रूट में है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपके चार न्यूमेरिकल हैं, वन टू थ्री फोर,
ए पी है, ए क्यू है, ए बी पी है, ए क्यू है, ए पी है, क्यू है, ए बी पी है और ए क्यू है। ये दो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, कितनी दूरी है। वो हमेशा दूरी जो है यूनिट में होती है, यूनिट में, यूनिट, ठीक है। तो फार्मूला आपका डिराइव मैंने करा दिया है, अब इस फार्मूले पे हम ये सवाल करते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, आपको फार्मूला पता ही है, जैसा ये पॉइंट है आप उसे रख दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको ये मानना पड़ेगा आप पी वाले को क्या मान रहे हो, एक्स वन वाई वन मान रहे हो, क्यू वाले को क्या मान रहे हो, एक्स टू वाई टू मान रहे हो, या फिर क्यू वाले को आप एक्स वन वाई वन और उसको एक्स टू वाई टू, ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, थ्री कमा जीरो एक है और दूसरा आपका है क्या, जीरो कमा फोर। हम इसको एक्स वन वाई वन मान रहे हैं, इसको हम एक्स टू वाई टू मान रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक्स वन एक्स वन मान लीजिए, इसको वाई टू वाई मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ऐसे फॉर्मूला रख देते हैं, तो एक्स टू हमारा क्या इसमें है, जीरो माइनस एक्स वन क्या हमारा है, थ्री स्क्वायर कर दो, प्लस वाई टू क्या हमारा है, फोर माइनस वाई वन क्या हमारा, जीरो स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो, तो जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, नाइन, प्लस फोर माइनस जीरो फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन जोड़ लो, फिर क्या आ जाएगा रूट में, ट्वेंटी फाइव। स्क्वायर रूट के बाहर जाता तो क्या करते हैं, क्या हो जाएगा ये आंसर आपका, फाइव यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा किस में होगी, यूनिट में होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आसान था, नेक्स्ट माइनस फोर माइनस फाइव, दूसरा है सेवन और थ्री, दोनों पॉइंट आपके हैं, एक पी है आपका एक क्यू है। इसमें भी आप यही करोगे, क्या करोगे, आपको एक को एक्स वन मान लो, दूसरे को वाई वन, फिर एक्स टू और वाई टू, या फिर इसको ऐसे मान लेना, इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही फॉर्मूला लग दो, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला क्या आपका है, एक्स टू, एक्स टू क्या इसमें है, सेवन माइनस एक्स वन क्या आपका है, माइनस फोर, क्या है, माइनस फोर का होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 क्या आपका, थ्री माइनस y1 क्या आपका, माइनस फाइव, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूले में जैसे था हमने रख दिया, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, जरा देखो जरा, तो आगे पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, सेवन माइनस और ये माइनस, जब दोनों तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस, तो सेवन प्लस फोर का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो थ्री प्लस फाइव का स्क्वायर। नेक्स्ट सेवन फोर क्या हो जाएगा आपका, एलेवन का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर रूट में, ठीक है। फिर आप इसको आंसर सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, वन ट्वेंटी वन प्लस इसका क्या होगा, सिक्सटी फोर, ऐड कर लो जरा, तो क्या आएगा, फाइव एट वन, रूट में कितना आ रहा है, वन एट फाइव यूनिट, जो बाहर आएगा बाहर कर लेना, अदरवाइज आपका आंसर ये सही है। तो पी क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, रूट में वन एट फाइव यूनिट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा है, थर्ड क्वेश्चन जो है आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, होमवर्क रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा आपका क्या आंसर है, और ये आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। हम इस सवाल को जरा सॉल्व करते हैं कैसे हैं, ठीक है, क्या सवाल है, ए साइन थीटा कॉमा बी साइन थीटा, नेक्स्ट जैसे ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, तो पी वाला जो पॉइंट है ए साइन थीटा बी साइन थीटा, क्यू वाला जो पॉइंट है ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा, ये दो पॉइंट है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल है फॉर्मूले में, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। जब भी आप सवाल करना डिस्टेंस फार्मूले पे, आप सारे पॉइंट को मेंशन कर लेना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पूरा मेंशन कर लेना, उसके बाद सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन x1 ले हम कौन y1 ले, ठीक है, मेंशन कर लेंगे आसानी हो जाती है सवाल में। इसको फॉर्मूले पे बिल्कुल जैसा फार्मूला है बिल्कुल हम रखेंगे, तो क्या रखेंगे, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या है, ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू क्या है,
बी कॉस थीटा माइनस क्या है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जरा ध्यान दो क्या नेक्स्ट स्टेप है। देखो आपने कॉमन लेना क्लास एट्थ में नाइन्थ में सीखा होगा कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, जैसे ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर है तो इसमें सेम क्या है ए, ए को हम बाहर लेंगे, इसमें क्या है बी, इसमें हम किसको लेंगे बी को बाहर लेंगे। तो देखो क्या होगा ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आया, प्लस इसमें भी वही आ रहा है, देखो बी बी सेम है ये कॉस है साइन, तो बी बाहर लेंगे तो बी स्क्वायर होके आएगा, तो बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ समझ में आया, क्लास एट्थ क्लास नाइन्थ में अगर कॉमन लेना सीखे होगे तो बिल्कुल वही मैंने किया है। क्या लिया, इसमें ए कॉमन था हमने बाहर ले लिया, इसमें बी कॉमन था हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे भी कुछ कॉमन देखो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे कॉमन, जरा देखो क्या दिख रहा है इसमें, ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये कॉमन है, इसको हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो बच्चों जरा ध्यान से देखो क्या होगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कैसे हमने इसको बाहर लिया, इसको हमने बाहर लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर फिर प्लस क्या बचेगा बी स्क्वायर। ठीक क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, आइए मल्टीप्लाई में तो ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, जैसे टू का स्क्वायर अगर हो तो बाहर क्या आ जाएगा टू आएगा, सिमिलरली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है तो एक इसमें से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो देखो क्या आंसर आ रहा है इसका आपका, जरा बहुत अच्छा आंसर आया, क्या आया है इसमें आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बाहर आ नहीं पाएगा तो बाहर क्या आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये इनटू के रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छा आंसर आया आपका। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा कॉमन लेते हुए। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड भी था है लेकिन रोज ज़्यादा लेंदी पड़ता है। ठीक है, कॉमन लेना अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे, क्यों आप लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे सेक्शन फार्मूला में भी, उससे पहले हो सकता है कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है डिस्टेंस फार्मूला जो बोर्ड में आते हैं वो मैं कराऊँ आपको। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू।